लोकसभा इलेक्शन 2019 की काउंटिंग के लिए छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोरबा लोकसभा सीट पर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों और प्रेस मीडिया की मीटिंग लेते हुए बताया कि जिले के आईटी कॉलेज में सुबह 7 बजे ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे और स्ट्रांग रूम से ही ईवीएम मशीनों की कंट्रोल यूनिट मतगणना कक्ष तक पहुंचेगी और 8 बजे से मतों की गणना शुरू की जाएगी। कोरबा लोकसभा सीट में शामिल मरवाही, बैकुंठपुर, सोनहत, भरतपुर के मतों की गणना बिलासपुर और कोरिया जिले में की जाएगी, लेकिन ऑफिशियल जो घोषणा है वो कोरबा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ही की जाएगी। मतगणना संबंधी सभी कामों के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और मतगणना स्थल में पारदर्शिता और आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 20 मई तक 2000 से अधिक ईटीपी, बीएफ और पोस्टल बैलेट प्राप्त हो गए हैं। अंतिम 23 मई सुबह 7 बजे के पहले तक बैलेट पेपर लिए जा सकते हैं। लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए मतगणना जो है 23 मई को की जानी है। उसके लिए आईटी कॉलेज झगरा में संपूर्ण तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कोरबा ज़िले की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 अलग अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं, जिसमें एसी वाइज मतगणना एआरओस की और काउंटिंग एजेंट्स की उपस्थिति में कराई जाएगी एवं पोस्टल बैलेट एवं वीवीपैट की काउंटिंग के लिए एक अलग कक्ष निर्धारित किया गया है। मतगणना हेतु समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अलग अलग राउंड है, कुछ एक कॉर में किसी में 21 राउंड है, किसी में 19 राउंड है, इस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर के पास से फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा जी कोटा से। लेकिन एसी वाइज राउंड्स की घोषणा जो है कंसर्निंग एआरओ के द्वारा की जाएगी।